For subtitles, please click here on your screen. कहने को जश्न बहारा है। मैंने कहा मेरी तो लॉटरी लग गई है। मैंने कहा ओ माय गॉड, दुनिया का सबसे सुखी आदमी मैं था। एक रॉक स्टार करके फिल्म बन रही थी जो इम्तियाज अली साहब बना रहे थे, और उस फिल्म में तभी रणबीर कपूर नहीं थे, उस फिल्म में थे जॉन अब्राहम उस टाइम पे। तो उसका स्क्रैच रिकॉर्ड किया उन्होंने। जोधा अकबर में एक कवाली रिकॉर्ड हुई थी जो तकरीबन 10 मिनट की थी, हालांकि वो फिल्म में नहीं रही। उसकी जगह फिर ख्वाजा मेरे ख्वाजा गाना आ गया। शीशे की एक दीवार है जैसे दरमियां। इस गाने को पहले पिक्चराइज कर चुके थे, शॉट्स ले चुके थे, उसके बाद में ये गाना ऐड हुआ। Tracking milestones of an incredible journey spanning 30 years, Rehman Music Sheets. Javed Ali has sung many songs for Rehman. A little known fact is, whenever he is on a short holiday, Javed gets a call from Rehman and he has to drop his vacation. मैं ये देखो इत्तेफाक की बात है, कुन फाया कुन के लिए मैं दिल्ली जा रहा था और मैं वहाँ से वापस आया था। कहने को जश्न बहारा में मैं वापी था, मैं वहाँ से वापस आया। तुम तक में मैं गोवा में था, वहाँ से मैं इमीडिएटली आ गया। तो ऐसा 3-4 बार इत्तेफाक हुआ है। तो लोग बोलते हैं कि आप हमेशा छुट्टियों पर रहा करो तो अच्छे अच्छे गाने गाते हो आप। This was the first super hit song by Javed Ali. It was followed by other songs that became chart busters. Then came Kehne Ko Jashne Bahara Hai. Kehne Ko Jashne Bahara Hai, Ishq Ye Dekh Kehra Hai. Jodha Akbar, the first film when Javed Ali sang for Rehman, was an opportunity that he had waited for almost 15 years. In the early 90s, Javed was learning playback singing with Kalyanji Anandji. That's when he had a dream to sing for Rehman. Sadhna ji wahan pe rehti thi, Sadhna Sargam ji, aur wo Rehman sahab ke liye gaati thi. To main kabhi bhi sochta tha yaar, main kabhi ga paunga unke liye, kabhi mujhe bhi gaane ka mauka mile. कुछ कंपोजर्स, कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे ये बात कहते थे कि तुम अगर रहमान साहब को मिलोगे तो वो तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये बात भी सच्ची बात थी। मुझे कई हमारे कलीग्स बोलते थे कि आपको मिलना चाहिए उनको। एक बार मैं कॉन्सेप्ट शो में गया वहाँ पे चेन्नई, तो चेन्नई गया तो रहमान साहब का नाम तो फिर आना ही आना है। मेरे पास कोई एड्रेस नहीं था रहमान साहब का। मैंने रिक्शा पकड़ा और रिक्शा वाले को बोला मेरे को ए आर रहमान साहब के स्टूडियो लेकर चलो। अब रिक्शे वाले को सबको पता है रहमान साहब का स्टूडियो कहाँ पे, चेन्नई में कोडम्बक्कम में। लकीली रहमान साहब से मुलाकात भी हुई और मैंने कहा सर मैं ऐसा ऐसा हूँ और मैं आया हूँ यहाँ पे। और तो उन्होंने कहा कि कहाँ पे शो है आपका, तो मैंने कहा कल हमारा शो है। तो बोले एक काम करो, कल शो ख़त्म करने के बाद में आना आप रात को। मैं तो खुश हो गया यार, अच्छा। फिर मेरा शो में भी ध्यान नहीं लगा, फिर मेरे शो में भी ध्यान नहीं लगा। मैं सोचा कि यार शो अच्छा हो गया, चलो ठीक है, अब रहमान साहब के पास जाना है। तो मैं शो ख़त्म करने के बाद जब वहाँ गया और मैं गया, बैठा रहा 3-4 घंटा बैठा रहा, कुछ डबिंग चल रहा था अंदर। तो सर रहमान सर तक मैसेज पहुँच गया था कि एक लड़का आया है जावेद और मिलने के लिए आ गया। फिर वहाँ बात हुई उनसे, उन्होंने मेरा गाना एक रूम में मुझे लेकर गए और मेरा गाना सुना। तो मैं बहुत घबराया हुआ था, बहुत डरा हुआ था कि यार इतनी बड़ी शख्सियत के सामने, पता नहीं मैं कुछ तो भी एक नर्वस था, एक हल नर्वसनेस थी। तो मैं अच्छा गाया नहीं, मैंने अच्छा जो भी मैंने सुनाया वो बहुत ही रॉ था और बहुत ही मुझे पता है कि मैंने अच्छा नहीं गाया था। लेकिन रहमान साहब ऐसे जोहरी हैं, उनको पता चल जाता है कि किस इंसान के अंदर क्या खूबी है और वो क्या उसको किस तरह से वो यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने एक बात कही, आई सी इफ देर इज समथिंग फॉर यू। ये एक डायलॉग मुझे याद है,
ये उन्हें मैंने कहा यार अब तो मैं अभी तो एक मौका था रहमान साहब को मिलने का, तो अभी तो मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद गाना मिलेगा मुझे, काफ़ी महीने हो गए, मुझे लगा शायद अभी क्या बुलाएंगे मुझे, कैसा होगा क्या होगा। तो फिर एक फिल्म बन रही थी जोधा अकबर, और उसके लिए उनको एक फ्रेश वॉइस की ज़रूरत थी, तो उन्होंने उनके एक दोस्त हैं ब्रिजभूषण जी, उनको कॉल किया, मुझे वो जावेद अली करके एक लड़का है उसको भेज दो आप चेन्नई। अब उन्होंने मुझे कॉल किया ब्रिज जी ने, ब्रिज जी ने कहा जावेद एक गुड न्यूज़ है। मैंने कहा सर बताइए। मतलब कल चेन्नई जाना है आपको। ओ मैंने कहा मेरी तो लॉटरी लग गई है। मैंने कहा ओ माय गॉड, दुनिया का सबसे सुखी आदमी मैं था। तो मैं कहीं जा रहा था नेक्स्ट डे, तो वो मैंने प्रोग्राम कैंसिल किया, मैं चेन्नई गया और रहमान साहब को मिला। रहमान सर ने मेरा रेंज चेक किया कि मैं कहाँ तक लो में गाता हूँ, कहाँ हाई तक मेरा कहाँ तक जाता है, मेरे ऑक्टेव में कैसा टेक्सचर है वॉइस का, वो उन्होंने सुन के और मुझे कहा कि आप स्टूडियो के बाहर वेट करो। और वो कुछ कंपोज कर रहे थे, और उसके बाद फिर मुझे स्टूडियो में बुलाया। और एक रॉक स्टार करके फिल्म बन रही थी जो इम्तियाज़ अली साहब बना रहे थे, और उस फिल्म में तभी रणबीर कपूर नहीं थे, उस फिल्म में थे जॉन अब्राहम उस टाइम पे। तो उसका स्क्रैच रिकॉर्ड किया उन्होंने, और उनको मेरी वॉइस बहुत अच्छी लगी, फिर उन्होंने मुझे ना मेरे से दो या तीन स्क्रैच करवाए रहमान साहब ने। रंजा रंजा ना कर हीरे जग बदनामी होए, सदी पति पति झर जावे पर खुशबू चुप ना होए। फिर मुझे उस दरमियान जितनी भी उनकी फिल्म्स बन रही थी मुझे गवाया उन्होंने। जश्न बहारा की जो बात है वो हुआ ऐसा कि जोधा अकबर में एक कवाली रिकॉर्ड हुई थी जो तकरीबन 10 मिनट की थी, हालांकि वो फिल्म में नहीं रही, उसकी जगह फिर ख्वाजा मेरे ख्वाजा गाना आ गया। तो वहाँ मेरी आवाज़ सुनी जावेद साहब, आशुतोष सर, सब लोगों को, बोले यार इसकी आवाज़ में ना एक जो, उन्होंने ये कॉम्प्लीमेंट दिया था मुझे कि बनावट नहीं है आवाज़ में, बना हुआ बन बन बना के जो गाते हैं ना, तो वो नेचुरल एक रफ़ी साहब जैसा फ्लेवर है ऐसा, जो कि हमको चाहिए। तो उन्होंने कहा एक रोमांटिक गाना है तो रोमांटिक गाना किससे गवाएं जोधा अकबर में। तो सब लोगों का ने डिसाइड किया कि ना जावेद को गवाते हैं, नया है वॉइस है। हालांकि ये गाना मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने गाया है प्रेम जोगन बन गए, तो इस फिल्म में ये गाना गुलाम अली खान साहब को गवाने का बात अंदर चल रही थी। तो फिर मेरे पास आया ये गाना और मुझसे गवाया गया, और ये गाना सुन के जावेद साहब, आशुतोष सर, रहमान सर सब इतना खुश हुए कि यार, हमने स्क्रैच रिकॉर्ड किया यहाँ पे रंजीत बारोट जी के स्टूडियो में। और उसके बाद फाइनल जो डबिंग किया हम लोगों ने फाइनल लिरिक्स के साथ में, वो चेन्नई में हमने किया, और ये गाना तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो गया। सारे सहमे नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में खोई खोई सी बातें हैं। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के रहा है, फूल से खुशबू। For the song Jashne Bahara, lyricist Javed Akhtar won Filmfare and IFA. Javed Ali received IFA. A.R. Rahman received IFA as Best Music Director. The song Jashne Bahara was awarded 5 Mirchi Music Awards. Song of the Year, Lyricist of the Year Javed Akhtar, Male Vocalist of the Year Javed Ali, Best Song Arranger and Programmer T.R. Krishna Chetan, Best Song Mixing and Engineering H. Sridhar. कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरान है, इतना गाढ़ा उन्होंने पोइट्री उस गाने में यूज़ की है, लेकिन वो बहुत ही सटल है और बहुत ही आसानी से इंसान समझ सकता है कि ये किस सिचुएशन के लिए गाना है। तो वो एक ख़ास बात है। और इस गाने का जो साउंड है
बहुत सिंपलिसिटी रहमान साहब ने इस गाने में रखी है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ ऑर्केस्ट्रा ने यूज़ नहीं किया, बहुत सिंपल सा दो तीन इंस्ट्रूमेंट हैं इस गाने के अंदर, और एक बेसिक रिदम है तक 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 तक, ये ही रिदम है पूरे गाने में, तबला है बास। तो जो सिंप्लिसिटी है इस गाने की, वो ही इस गाने की ब्यूटी है, और वो ही जावेद साहब ने इस गाने को जो लिखा है वो बहुत ही कमाल है। तो जिस वक्त ये गाना आया था उस वक्त बहुत लाउड और बहुत ही ज़्यादा जब पेस वाले गाने ज़्यादा चल रहे थे, तो मेरे दिमाग में भी ये थॉट था कि गाना बहुत स्लो है, ऐसा आके लोगों को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन लेकिन धीरे धीरे जब पॉइजन की तरह ये गाना बढ़ा तो फिर उसका असर बहुत लंबा गया। और अभी ऐसा है कि हर कॉन्सर्ट में मैं ये गाना, पहला गाना मेरा यही होता है। हमने जो था नगमा सुना, दिल ने था उसको चुना, ये दास्ता हमें वक्त ने कैसी सुनाई। हम जो अगर है गमगीन, वो भी उधर खुश तो नहीं, मुलाकातों में है जैसे गुल सी गई तन्हाई। जश्ने बहारा, the song was for the lead characters of the film, but they were not singing it on screen. Thus, the song had to convey the innermost feelings. मुझे ये पता था कि ये गाना ऋतिक रोशन के ऊपर पिक्चराइज होगा, बट आपको एक बात और बताता हूँ, ये गाना, इस गाने को पहले पिक्चराइज कर चुके थे, शॉट्स ले चुके थे, उसके बाद में ये गाना ऐड हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा जहाँ तक मेरी मुझे पता है। और गाने के जो लिरिक्स होते हैं वो खुद ये बता देते हैं कि इस अल्फाज में क्या एक्सप्रेशन चाहिए, क्या फीलिंग चाहिए, तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो वो, और प्लस क्या होता है, गाने की जो ट्यून होती है वो ऑटोमेटिकली आपको रास्ता दिखा देती है, इमोशंस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, और गाने के अल्फाजों से, गाने की ट्यून से ये अंदाज़ा हो जाता है कि इस गाने का मूड क्या सेट होना चाहिए, किस तरह के एक्सप्रेशन, किस तरह के इमोशंस होना चाहिए, बस उसी को मैंने आगे किया। इन लम्हों के दामन में। जोधा अकबर में ही आपके अलावा ऋतिक रोशन जी के कैरेक्टर के लिए एक गाना सोनू निगम जी ने भी गाया। एक समय था जब एक एक्टर के लिए एक ही सिंगर सारे गाने गाता था, लेकिन अब वो बात बदल गई है, आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, अगर ये नहीं किया जाता तो हमें शायद मौका ना मिलता, क्योंकि अगर एक ही सिंगर एक्टर के लिए सारे गाने गाएंगे तो फिर बाकी सिंगर्स को तो फिर लाइन में ही लगे रहना पड़ेगा। तो थैंक गॉड ऐसा हुआ कि बाकी सिंगर्स अलग अलग डिफरेंट फ्लेवर्स को यूज़ किया गया, जिसकी वजह से हमें भी मौका मिला। पिछले कुछ सालों में बहुत सी हिस्टोरिकल फिल्म्स बनी हैं जिनका बेहतरीन म्यूजिक था, लेकिन वो उस पीरियड के साथ जस्टिस नहीं करता जिस पीरियड में वो फिल्म बनी है, लेकिन जोधा अकबर के म्यूजिक ने बहुत हद तक अपने पीरियड के साथ जस्टिस किया। क्या आप ऐसा मानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मानता हूँ। इस गाने का बैकग्राउंड आप सुन लें, इस फिल्म का बैकग्राउंड सुने, जोधा अकबर का ऐसा बैकग्राउंड किया रहमान सर ने कि वो एकदम फिल्म की सिचुएशन के साथ एकदम, कहते ना वो एक चस्पा होता है, उसको एकदम मैच करता है। या जो भी गाने आप इस फिल्म में हैं, अजीम व शान शहनशाह गाना चाहे आप ले लें, चाहे वो इन लम्हों के दामन में, चाहे वो ख्वाजा मेरे ख्वाजा, सारे, या जश्ने बहारा, सारे गाने ना सिचुएशन को आगे बढ़ाते हैं, फिल्म की कहानी को कहते हैं। तो ये ऑफकोर्स रहमान साहब का जादू है, एंड ऑफकोर्स इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो मुझे बहुत पसंद है। आपको ये फीलिंग आती है कि ना आप किसी मुगलों के उसमें बैठे हैं, या जो पीरियड, जिस सिचुएशन को आप जी रहे हैं, जिस सिचुएशन, वो सीन चल रहा है, वो एक वो ऐसा फीलिंग आता है कि आप जी रहे हैं वो सिचुएशन को जब वो बैकग्राउंड शुरू होता है। एंड इनफैक्ट बैकग्राउंड में भी मैंने काफ़ी कुछ गाया है इसमें, जिसने एक जोधा अकबर में थीम गाई है मैंने, कुछ सिचुएशंस के अलाफ वगैरह भी गाए हैं मैंने,
तो रहमान साहब ने पूरी तरह मुझे इस फिल्म से लॉन्च ही किया था, एक यूज किया था एक तरीके से। इस एपिसोड को पूरा करने से पहले कुछ लाइंस कहने को जश्न बहार आए हो जाए। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है, फूल से खुशबू खफा खफा है, गुलशन में छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। सारे सहन नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में खोई खोई सी बातें हैं। To talk about some more of his iconic songs with Rehman. In our next episode, Javed Ali will continue with us. Stay with us. Subscribe to our YouTube channel, press the bell icon, and stay entertained.